जो मैं यूज़ करके किस तरीके से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले जानेंगे कि पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड की अहमियत क्या है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि वो जो हम मैनुअली करते हैं वो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड किस तरीके से वो हमें हेल्प करेगा जानने में। ठीक है, तो ये जो ट्रेड मैं आपको बताने वाला हूँ ये ज़्यादातर इंट्राडे में यूज़ होता है। ठीक है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को यूज़ करके। ठीक है, और अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे तो आप इसको पोजिशनल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि इसको इंट्राडे में यूज़ करने के लिए। तो ये सेशन खास करके उनके लिए जो इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता दें किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालाइज करके उसमें एक लेवल निकालता हूँ, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, देन उसके बाद में किस तरीके से मैं चार्ट को देखकर एक ट्रेड उसमें लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का मैं मूवमेंट अगर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, तो मतलब मान लीजिए कि स्टॉक का इस तरीके से ऐसा ऐसा मूवमेंट आया। ठीक है, इस तरीके से ऐसा ऐसा गया, ये एक मूवमेंट आया। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इस तरीके का ऐसा ऐसा जाता है, ऑलराइट, फिर ऐसे 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 करके नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अगर मैं देखूं कि मुझे अगर एक सिंपल वे में मैं देखूं तो ये मेरा एक लेवल बन जाता है। ठीक है, ये मेरा लेवल बन जाता है, राइट, कि ये लेवल को नीचे अगर ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर ब्रेक किया है तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, तो दो तरीके से यहाँ पर ट्रेड बन सकते हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड बने, या तो ये रिट्रेस करके अगर यहाँ पर आता, कहीं पर भी आता है तो वहाँ पर मुझे कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न को जिसको मैं फॉलो करता हूँ वहाँ पे अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को या फिर कोई भी एक चार्ट पैटर्न को देखकर मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से हो गया, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से हो गया। ठीक है, तो ये जो पहले कोई सपोर्ट का काम करता था, क्योंकि प्राइस एक डायनेमिक नेचर होता है प्राइस का। ठीक है, प्राइस आपने देख लिया कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पर टेस्ट किया। ओके, यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो, यहाँ पर उसने टेस्ट किया, यहाँ पर उसको रिटेस्ट किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लियरली उसने ब्रेक किया। ठीक है, क्लियरली उसने ब्रेक किया ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी अगर हमने लेवल बनाया है या हमने सपोर्ट बनाया तो एक बार उसको एक बार टेस्ट करें। ठीक है, अभी ये जो टेस्टिंग होती है या ये एक ही बार होती है या दो बार होती है ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो दो तीन बार करे, हो सकता है वो तीन चार बार भी करे। मार्केट अगर ज़्यादा साइडवेज होता है, मान लीजिए कि मार्केट आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा रहे हो तो आपने देखा होगा कि मार्केट दो तीन दिन तक साइडवेज हो जाता है, तो हो सकता है कि वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है एक बार नहीं यहाँ पर तीन चार बार उसको रिटेस्ट करे। ठीक है, हो सकता है। अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ तो इंट्राडे में आपको एक दो या तीन बार आपको दिखेगा, और बाद में जब यहाँ पर ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा फॉल मिलता है। ठीक है, तो हमारे मन में क्या होता है कि अगर हमने कोई लेवल बनाया जैसे सपोर्ट है, ठीक है, इसको इसने एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, रिटेस्ट किया, यहाँ ब्रेकडाउन किया, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर या तो मैं सेल करूँगा। अब सेल क्या क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर कर सकता हूँ, स्टॉक भी कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पर बाय करूँगा तो जाहिर सी बात है पुट ऑप्शन को मैं बाय करूँगा, और एक मुझे 1:1 या 1:2 का रेशो मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो 1:2 का रेशो मैं ज़्यादा कंसिडर करूँगा बिकॉज मेरा उसमें प्रॉफिटेबल रहने का ज़्यादा फायदेमंद है, और मैंने आपको ये रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी मैंने बताया है कि किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो मैं 1:2 का टारगेट मैं ज़्यादा इसमें प्रीफर करूँगा कि अगर स्टॉक इस तरीके से नीचे आएगा तो 1:2 का मैं ट्रेड ले लूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करूँगा, तो रिटेस्ट का अगर मैं वेट करता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा और मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 1:2 क्या, मुझे 1:3-4 भी मिलने का चांसेस होता है। रीज़न ये होता है कि अगर यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा, तो मुझे ज़्यादा बड़ा रेशो मिलता है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल वे में आप एक क्या बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ जो अक्सर लोग फेस करते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अक्सर लोग फेस करते हैं। आप देखिए प्राइस, ठीक है, ये एक लेवल है, अभी इसको रेजिस्टेंस मानिए, तो प्राइस कई बार आप देखो इस तरीके से यहाँ ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक करता है और यहाँ पर ब्रेक करके नहीं, यहाँ पर ब्रेक करता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, फिर नीचे जाता है। तो ये जो ब्रेकआउट है, ये फेल हो गया।
राइट फ्री हो गया, या फिर कहीं आप ये भी देखोगे कि ब्रेकआउट ऐसे जाके फिर नीचे आता है, ठीक है, कई बार ये फेल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डेटा देखता हूँ, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर लेवल पे कोई मेरा एक जो राइटर्स हैं वो बराबर है या नहीं। तो राइटर्स के हिसाब से मैं वहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। तो आप राइटर्स के हिसाब से भी देखिए, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं एक और इंडिकेटर ऐड करके आपको सामने दिखा दूंगा जो और भी अच्छा सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट फेलियर होता है, ये अगर मेरा एक ब्रॉड व्यू जो है, ठीक है, ब्रॉड व्यू होता है डायरेक्शन का, अगर वो मेरे पास नहीं है तो ये ज़्यादातर मुझे फेलियर मिलेंगे, ठीक है। रीज़न ये होता है कि कई बार देखिए, अगर आप ब्रॉड व्यू अगर बनाते हो मार्केट को, ठीक है, कि मार्केट ऊपर रह रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर नीचे एक ब्रॉड व्यू आपने बनाया तो ज़्यादातर आप ट्रेड क्या लोगे, जो नीचे जा रहा है ट्रेड आप उसको लोगे, राइट। अगर वही पर ब्रॉड व्यू ऊपर जो बना रहा है तो आपके पास मान लीजिए 5 ट्रेड आया, ठीक है, और उसमें से 3 ट्रेड ऊपर का, 2 ट्रेड नीचे का है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो 2 ट्रेड नीचे उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और जो 3 ट्रेड हो उसमें 1 स्टॉप लॉस हो, 2 आपका सक्सेस हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक ब्रॉड व्यू बना के और इसी लेवल के हिसाब से अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल सकता है और मेरी जो एक्यूरेसी है मेरे सेटअप की वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर ब्रॉड व्यू के हिसाब से मैं अगर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं एक अच्छा सक्सेस मेरा बनता है। ये जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो सेटअप बता रहा हूँ कि यहाँ पर कई बार ऊपर गया, ये ब्रेक किया, नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया, नहीं गया, इस तरीके का आपको कंडीशन दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे कि मार्केट ऐसा नीचे आया, ये ब्रेक डाउन किया, लेकिन आप देख सकते हो इस तरह के वापस गया, फिर ब्रेक डाउन किया, फिर ऐसे करके ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये मुझे ट्रेड यहाँ पर ट्रैप करता है, तो इस ट्रैपिंग से बचने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड मेरा क्या बताएगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करूँगा। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड मुझे लेवल्स बताएगा, वो लेवल्स को देखकर मैं अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन लेवल्स के साथ मुझे एक्यूरेसी बढ़ानी है तो ब्रॉड व्यू कंसेप्ट मुझे चाहिए। तो ब्रॉड व्यू कंसेप्ट मैं फ्यूचर के डेटा से मैं ले सकता हूँ, वो फ्यूचर का डेटा मेरा एक लंबा ब्रॉड व्यू बताएगा, लेकिन मुझे एक डेली ब्रॉड व्यू अगर चाहिए, ठीक है, डेली ब्रॉड व्यू चाहिए और इंडिकेटर के हिसाब से लेंगे तो मैं मूविंग एवरेज यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 50 डे मूविंग एवरेज यूज करूंगा, जो 50 डे का कैलकुलेट करके आपको बताता है कि प्राइस ज़्यादातर इसके नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मूविंग एवरेज का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट सिंपल है कि उसके ऊपर अगर डायरेक्ट ऊपर स्टॉक अगर जा रहा है तो अप ट्रेंड बोलेंगे, उसके नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज अगर यहाँ पर ऐसा बना हुआ है तो ये इसी को टच करके नीचे आ जाता है, तो कई बार वो जो रेजिस्टेंस ये बन रहा था ये एक ब्रॉड रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये ट्रैपिंग वाला एरिया बनता है, ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये पूरा ट्रैपिंग वाला एरिया बनेगा तो वो ट्रैप होने से आप बच जाओगे, ओके। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर चल के मैं आपको सीधा चार्ट में दिखाता हूँ, तो हम एनालाइज में जाएंगे और 4 ऑर्डर ट्रेड को हमने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टॉक मैं दिखाऊंगा स्टॉक के हिसाब से आपको बता देते हैं, ठीक है। सो गाइस, मेरे सामने आप देख सकते हो टाटा मोटर का चार्ट है और यहाँ पर मैंने पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड का जो इंडिकेटर है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि उसका सेटिंग्स क्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, टाइप आपका ट्रेडिशनल वाला ही होगा जो हमने पहला वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर पिवोट्स टाइम फ्रेम आप ऑटो रखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, आपको डेली है, वीकली है, मंथली, ईयरली है, लेकिन यहाँ पर आप ऑटो रखिए क्योंकि जब जब आप टाइम फ्रेम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम फ्रेम को डिटेक्ट करेगा और आपको यहाँ पर एक पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ नंबर ऑफ पिवोट वर्क 15 ही रखिए, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसको वैसे ही रखिए। आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3, 4, 5, अप टू 5 लेवल तक आपको है, ठीक है। तो जब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ तो मुझे ये 5 लेवल तक मुझे चाहिए। रीज़न इसका मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं ट्रेड के दौरान लूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सेटिंग्स थी, ठीक है, आप सेटिंग्स को क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये मूविंग एवरेज 15 मेरा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 है एंड 50, तो 200 को क्लोज कर देते हैं, हम 50 को देखते हैं, ठीक है। तो ये 50 वाला लगा हुआ है, येल्लो वाला जो लाइन है वो मूविंग एवरेज आपका 50 है, ठीक है। उसमें सेटिंग्स कुछ नहीं चेंज करना है, आपको स्मूदिंग मूविंग एवरेज ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं सेटिंग्स आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इनपुट में देखिए यहाँ पर लेंथ 50 है,
सोर्स आपका क्लोज ही रहेगा, ठीक है। ऑफसेट जीरो रखिए, स्मूदिंग लाइन आपका एस एम ए रखिए, स्मूदिंग लेंथ आपका 9 ही रखिए, ठीक है। डिफॉल्ट जो आपको वहाँ पर सामने आ रहा है आप वो देखकर आप ट्रेड कर सकते हो, ओके। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें मैं सेटअप कैसा बनाऊंगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कई बार आप देखोगे कि मार्केट आपको ट्रैप करता है, और उसी दौरान हम देखेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस किसी को भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया है तो वहाँ पर वो जो भी ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ब्रॉड व्यू के हिसाब से आपको बताऊंगा और उसके हिसाब से आप ये भी देखिए कि किस तरीके से आपको इसमें अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको ब्रॉड व्यू के हिसाब से, अभी इसमें मैंने 50 डे मूविंग एवरेज लगाया, तो पहले आप ये कंसेप्ट समझिए कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो वो अप ट्रेंड रहेगा, उसके नीचे अगर प्राइस है तो मैं डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड ज़्यादातर देखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो सपोर्ट वन पीवोट, जो पीवोट है या बीच वाला आपका पीवोट है, तो जहाँ पर भी ज़्यादातर प्राइस ओपन होता है वहीं पर आपका पीवोट बनता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए पीवोट इसका यहाँ पर था, ये कौन सी तारीख है, 4 तारीख है, और उसके पहले 3 तारीख का पीवोट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बनता है, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पर इसका पीवोट ये, यहाँ पर पीवोट आपको ये दिख रहा है, 8 तारीख को आप देखिए पीवोट ये और आगे ये, ठीक है। पीवोट यूजुअली मीडियन लाइन रहता है और इसी के ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है पहले आप वो समझिए, ठीक है। ये देखिए प्राइस आप देख सकते हो कि ये इसके नीचे है, ठीक है। हमने जो ये देखा, ये जस्ट अ मिनट, मुझे जरा इसको, ऑलराइट, ओके, गेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। तो जब भी उसके नीचे रहेगा, अगर वो बीच में होता है तो ठीक है, वहाँ पर ट्रेड मत लीजिए। वहाँ पर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए, जिसको नीचे की ओर अगर ब्रेकडाउन करेगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो लेटेस्ट स्विंग लूँगा, नहीं तो जो कैंडल ब्रेक कर रहा है मैं उसी के हाई पर रखूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, आप देख सकते हो ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये देखिए मॉर्निंग में पहला कैंडल बना, सपोर्ट 2, ठीक है, सपोर्ट 1 ये रहा, आप देख सकते हो कि कैंडल किस तरीके से ब्रेक किया, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता था ये वाले ट्रेड पे, ठीक है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होता, ठीक है। तो अगर प्राइस के हिसाब से मैं देखूँ तो ये 947 से 956, ठीक है, मेरा 956 भी नहीं, 960 के आगे जा रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। अभी आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन वापस से यहाँ पर नीचे किया, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड में लूंगा। और देख सकते हो कि ये जो मैंने आपको बताया कि S1, S2, S3 क्यों लेना है, क्योंकि आपका वो टारगेट डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पूरा प्राइस यहाँ पर नीचे आया, आपको देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये 1:3 का टारगेट इसने दिया है, और पूरे दिन देखिए पूरा यहाँ पर रहा है। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो सपोर्ट है इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है। कई बार लोग क्या सोचेंगे कि ये सपोर्ट के ऊपर बन रहा है, चलिए यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि मेरा एक ब्रॉड व्यू क्या है, उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ब्रॉड व्यू 50 का देखिए पूरा नीचे की ओर बनाया है, पूरा का पूरा नीचे बनाया है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रेड लेता हूँ तो देखिए मैं ट्रैप हो जाऊँगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको ट्रैपिंग से बचाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद आप ये देखिए कि ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया, राइट, अभी यहाँ पर ऊपर गया। अभी देखिए यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा, रीज़न ये है कि मेरा स्विंग लो यहाँ पर बन रहा है, इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। मैं ऑलवेज ट्रेड लेने के पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट देखता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने आगे ब्रेक किया, इसको वापस से क्या यहाँ पर स्विंग लो बनाया। अभी देखिए कैंडल जब इसके ऊपर यहाँ बंद होती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा बाय, ठीक है, ये मेरा SL होगा और आप देख सकते हो कि यहाँ तक मेरा टारगेट हुआ है। और ये अगर मैं इसको कंसेप्ट लगाता हूँ तो ये 1:2 का मुझे आसानी से दिया है, ठीक है। अभी ये हो गया कि यहाँ से इसको टच करके वापस से नीचे आया, इट्स ओके, हम हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वी आर नॉट मार्केट मेकर्स, हम इसको ये मार्केट बना नहीं रहे कि मैं यहाँ से करो तो यहीं जाएगा, यहाँ से करो तो यहाँ जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक फोरकास्टिंग, एक प्रेडिक्शन की ओर से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वहाँ जा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको ये मूव कैप्चर करने को मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से नीचे आया। अभी देखिए 50 डे मूविंग एवरेज वापस उसके नीचे आया, यहाँ पर देखिए सस्टेन किया, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, छोटा सा ट्रेड बनाए, अगर मैं उसको आगे कैरी करता हूँ तो देखिए यहाँ तक पूरा ये लो इसने बनाया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में ये पूरी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है और यहाँ पर मेरा एंट्री है, इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस कभी नहीं लूँगा, ठीक है। नीचे ब्रेक किया, आप देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से इसने सपोर्ट किया है, ठीक है,
यहाँ पर रिटेस्ट करके वापस आया और पूरा एकदम यहाँ तक मुझे टारगेट दिया है जो मेरा सपोर्ट 1 है। ठीक है, ये देखिए जो हम कह रहे थे कि ऊपर ब्रेकआउट करेगा, अब देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया। अभी ये अगर इस पिवोट पॉइंट के ऊपर जाता तो मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन नहीं गया, वापस से नीचे आया, अगेन मेरा एक ट्रेड बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा नीचे गया। अगर मेरा ये स्टॉप लॉस ये रखा है, मैं आगे इसको कैरी फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ, जो हम BTST का ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ, तो देखिए पूरा नीचे गया है, कितना अच्छा मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, हम ट्रेड नहीं कैप्चर कर पाएंगे, राइट। ये कोई दूसरा प्राइस एक्शन है जिसके हिसाब से हम कर सकते हैं, वो मैं किसी और कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि पिवोट पॉइंट को एक प्राइस एक्शन से लेकर हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पर जो मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ठीक है, पूरा ट्रैप किया, देखिए प्राइस नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर गया, राइट। अभी ये ट्रेड हमारा नहीं बना, ये नॉर्मल लोगों का ट्रेड बना जो नोविस ट्रेडर जो पहले ट्रेड करना आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कहा कि आप ट्रैप होने से बचोगे, वो ये कंसेप्ट था। यहाँ पर देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया ही नहीं और यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर ब्रेक करा, देखिए पूरा ट्रैप किया यहाँ पर। इसके बाद देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर क्रॉस किया और यहीं पर देखिए वापस से इसने इसको रिटेस्ट किया। तो ये जो रिटेस्ट किया, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, ये रिटेस्ट मैंने किया है, इसको करके यहाँ पर मैं ये रिटेस्ट वाले पे मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पर मैं SL रखता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, उसी दिन में मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला है और अगले दिन पूरा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से देखिए ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको देखिए नीचे ब्रेक किया, ऊपर भी ब्रेक किया। ठीक है, अगर ऊपर की ओर तो मुझे थोड़ा स्कैल्पिंग पे मिला, यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा ट्रेड यहाँ बना है, लेकिन मेरा ट्रेड यहाँ पर SL हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरा, लेकिन मेरा ट्रेड पहले बना हुआ था, अगर मैं नया ट्रेड बनाता हूँ तो मेरा SL यहाँ पर हिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नीचे ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया तो पूरा यहाँ तक मुझे मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं पिवोट को और मूविंग एवरेज को अगर मैं दोनों को कंबाइन करके ट्रेड लेता हूँ तो कितना अच्छा मेरा ट्रेड इसमें बनता है। ठीक है, सो आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो जो पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड है उसको इतने उसको बारीकी तरीके से अगर आप यूज करोगे तो इस तरीके का आपका सेटअप इसमें बन जाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, लेट मी रिफ्रेश दिस वन। ओके, पिवोट पॉइंट वापस से, ओके, ठीक है। सो इसको अगर पिवोट पॉइंट को 5 मिनट में लगाना चाहते हो 5 मिनट में भी आएगा, 15 मिनट में लगाना चाहोगे तो 15 मिनट में भी आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि वहां पर सेटअप में आप ऑटो रखिए, देखिए 15 मिनट में भी आया है। तो 15 मिनट में अगर आप ट्रेड लोगे तो थोड़ा ट्रेड आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से करता है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको इंट्राडे बताया, अगर आप पोजिशनल करना चाहते हो तो पोजिशनल भी इसके हिसाब से आप कर सकते हो। बस ये है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर आपका ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तभी जाके आपका ये ट्रेड इसमें बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 50 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बना हुआ, आपको टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। रीज़न इसका यही है कि अगर आप छोटा छोटा टारगेट लेते हो तो एक स्टॉप लॉस में आपका 2-3 ट्रेड आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आप 15 मिनट वाले में भी देख सकते हो और 5 मिनट वाले में भी। 5 मिनट अगर यूज़ करोगे तो आपको इंट्राडे के लिए काम आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो किस तरीके से मैंने पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को यूज़ करके एक इंट्राडे सेटअप बनाया जिसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा ट्रेड इसमें बना सकते हो। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।